क्राइम ब्रांच ने छात्रा सहित तीन युवकों को एमडी तस्करी में पकड़ा है। यह कार्रवाई यशोधरा नगर परिसर में की गई। आरोपी शेख शाहरुख शेख कलीम, अशोक सम्राट नगर, मोहम्मद सलमान मोहम्मद सलीम अंसारी शारदा कंपनी चौक तथा दिव्या नामक छात्रा है। शाहरुख काफी समय से एमडी की तस्करी में लिप्त है। दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों एमडी खरीदने के लिए मुंबई गए थे। गुरुवार सुबह नागपुर पहुंचे सलमान उन्हें लेने के लिए स्टेशन आया था। वह दोनों को मोपेड पर बिठा कर ले जा रहा था। इसी बीच क्राइम ब्रांच के एनडीपीएस सेल को आरोपियों के पास एमडी होने का पता चला। पुलिस ने वांजरा में तीनों को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके पास से 76,000 रुपये कीमत की एमडी मिली। आरोपियों ने सेवन करने के साथ एमडी की बिक्री करने का भी बताया। उनसे तीन मोबाइल तथा मोपेड सहित 1,56,000 का माल बरामद किया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबईला गेले दिल्ली एमटी आणणार आहे त्या माहितीवरून जी ट्रेन होती सेवाग्राम एक्सप्रेस त्याने ते परत येणार अशी माहिती मिळाली होती। त्याप्रमाणे मी त्या ॲपवर तुमचा मार्क आहे ते आढळून आले आहे। नंतर आम्ही मोबाईल लोकेशन्स काढले त्यावरून समजले की ते खामती रोडने जात आहे। म्हणून आम्ही खामती चौकाचा जो पुढे तिथे ट्रॅक लावला आणि एक स्कूटीवरती तीन म्हणजे दोन मुलांनी एक मुलगी ते चालली होती। आम्ही थांबून इशारा केला असता पण ती थांबले नाही। तुम्ही संशय बोलावं त्यांच्या पाठलाग केला आणि त्यांना पकडलं म्हणून लाईटली घेऊन पडलेत। त्यांना विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितलं की आम्ही इंडियाची त्यांच्या तपासणीमध्ये आम्हाला 7.7 ग्रॅम एमडी आढळून आली। त्याप्रमाणे सरपंचनामा केला आणि अटक करून कारवाई केली गेली। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।